जी वेलकम है दोबारा साढ़े चैनल पीटी चैनल पर। सो सैकेंड प्रैक्टिस पार्ट लैके आए हैं असं रीओर्डर पैराग्राफ का। ये जो होगा ये मोस्ट इंपोर्टेंट टू लीस्ट इंपोर्टेंट चलेंगे असं इनफॉर्मेशन के आधार पर भी या किसी चीज़ के आधार पर भी। फर्स्ट ऑफ ऑल एक पैराग्राफ पढ़ दी, पैराग्राफ कह के रहा ए पॉइंट कह रहा है रिंगली द मेडन हाउस प्राइज इज ऑस्ट्रेलिया इज नाउ वेल अबव $7 lakh। तो फर्स्ट ऑफ ऑल एक गल हुई है मेडन हाउस इन ऑस्ट्रेलिया की। ओके पी पॉइंट देखते मोस्ट कार लाइक लकली आर फार लैस एक्सपेंसिव दैन हाउसिज, कास्ट की गल भी हो रही है। सी पॉइंट स्टिल दीज टू थिंग्स अलोन विल कोस्ट यू नैक्सट टू $1 million। डी पॉइंट कह रहे हैं ए हाउस इज बाय फॉर द मोस्ट एक्सपेंसिव आइटम एनी वन विल एवर बाय। ई पॉइंट कह रहे हैं विल कार इज प्रोबेबली द नेक्स्ट मोस्ट एक्सपेंसिव ऑब्जेक्ट ऑन द लिस्ट। ओके नाउन असी देख लिया सारे नाउन कितने नहीं है, नाउन हमेशा शुरू से मिल जाता सानू। प्रोनाउंस इतने यूज हो रहे हैं, प्रोनाउंस भी आ जाते साढ़े इंडिपेंडेंट सेंटेंस। सो हम इतने दो चीज़ा हो सकती कास्ट और हाउस। फर्स्ट ऑफ ऑल गल असी करांगे कि इंडिपेंडेंट सेंटेंस कैसे लवेंगे। इंडिपेंडेंट सेंटेंस लवेंगे असी साढ़े प्रोनाउन तो, बिकॉज नाउन नहीं है इस बार साढ़े फाइव दे फाइव सेंटेंस के। हुण प्रोनाउन लभना है, प्रोनाउन कैसे लवेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल असी जो सेंटेंस सारे रीड कर लिया है दोबारा एक बार देख लेना, एक बार निगाह मारी असी भी, तुसीं भी देखो प्रैक्टिस। अगर तुसीं प्रैक्टिस कर रहे हो तो वीडियो रोक के तुसीं इहदी नंबरिंग करो, दैन असी एक्सप्लेन करांगे कैसे। अगर थोड़ी नंबरिंग सही है तो वेलकम, अगर नहीं तो कैसे गलत है की उस मिसटेक रहेगी वो असी थानू दसांगे। सो फस्ट ऑफ ऑल इंडिपेंडेंट सेंटेंस जो लभांगे असी वो की होगा, फस्ट रेट कर दें रिंगली द मेडन हाउस इन ऑस्ट्रेलिया नाउ विल अबव $7 lakh। ये तो नहीं हो सकता बिल्कुल भी, बिकॉज हाउसिज की गल मेडन हाउसिज की गल हो रही है, बट इस तो पहले भी कोई गल हो जरूर होगी। मोस्ट कार लकली आर फार लैस एक्सपेंसिव दैन हाउसिज। मोस्ट कार्स, मोस्ट कार मीनस कि इस बारे भी हजे कोई अपन पता नहीं। नैक्सट चीज देखते हैं स्टिल दीज टू थिंग्स, दीज टू थिंग्स कि देखो ये तो नहीं आ सकता, दो थिंग्स सू पता गल हो रही है हाउस से कार्स की, ठीक है दैट इज नॉट टी सैक्शन। हाउस इज बाय फार द मोस्ट एक्सपेंसिव आइटम एनी वन विल एवर बाय। ओके हो सकता है चांसिस है कि अ कार इज प्रोबेबली द नैक्सट मोस्ट एक्सपेंसिव ऑब्जेक्ट ऑन द लिस्ट। देखो ये नैक्सट है, मीनस कि इस तो पहला भी किसी चीज़ की गल हुई वो किसकी गल हुई हाउस की, तो साडा फर्स्ट पॉइंट होगा दैट कि हाउस इज बाय फार मोस्ट एक्सपेंसिव आइटम एनी वन विल एवर बाय। जो भी कोई खरीदा तो हाउस इज मोस्ट एक्सपेंसिव आइटम होंगी है वो वास्ते। ओके सैकेंड पॉइंट देखते हैं, हमने पहला भी किया थोड़ा कि इंटरलिंक्ड हो गए कुछ ना कुछ वर्ड्स उस सेंटेंस के नैक्सट सेंटेंस ना कि देखते हैं हाउस इज मोस्ट एक्सपेंसिव डैट इज एक्सपेंसिव आइटम एनी वन विल एवर बाय। ओके मोस्ट एक्सपेंसिव थिंग है, जरा देखिए हम एक्सपेंसिव मतलब महंगा, महंगा होना देखते हैं जरा। सैकेंड सा हो क्या रीड करिए रिंगली द मेडन हाउस प्राइस इन ऑस्ट्रेलिया इन इज नाउ वेल अबाउट $7 lakh। प्राइस की गल एक्सपेंसिव भी हो रहा है और दैट इज जो साडा एक्सपेंसिव मीनस की रेट भी सानू पता है। सो चांस है हो सकता मोर कार्स नहीं बिल्कुल भी नहीं, स्टिल दीज टू थिंग्स ये भी नहीं हो सकता, टू थिंग्स की तो गल ही नहीं हो रही, आ कार इज प्रोबेबली तो ये भी नहीं हो सकता। सो दैट इज अवर सेकंड पॉइंट। ओके थर्ड पॉइंट वाल हम थर्ड पॉइंट वाल चलते हैं। थर्ड पॉइंट की रह गया ये हम गल हो रही है कार्स की। थर्ड पॉइंट सा होगा कार्स, मोस्ट कार्स लाइकली आर फार लैस एक्सपेंसिव दैन हाउसिज। ओके मोस्ट कार केड़िया कार्स इस बारे जरा, चलो ठीक है ये भी हो सकता है चांसिस तो इसके भी है। नैक्सट देखते हैं स्टिल दीज थिंग्स नहीं, दूस दो थिंग्स हजे एक होर पे है साढ़े को, साढ़े को सेंटेंस एक होर पे ई पार्ट पे है साढ़े को, ई पार्ट देख लिए सी। अ कार इज प्रोबेबली द नैक्सट मोस्ट एक्सपेंसिव ऑब्जेक्ट ऑन द लिस्ट। देखो ये हो सकता है बिकॉज एक थिंग मोस्ट कार्स लगती है फर लैस एक्सपेंसिव, बट कार्स की गल हो रही है हम इतने कार्स इज प्रोबेबली द नैक्सट मोस्ट एक्सपेंसिव, अ कार इज प्रोबेबली द नैक्सट मोस्ट एक्सपेंसिव ऑब्जेक्ट ऑन द लिस्ट। सो पहली गल हुई साड़ी हाउस की, हम साड़ी गल होगी कार्स की। सो साडा थर्ड जो होगा डैडी सी, हम फिर तो देख लो इंटरलिंक्ड की है मोस्ट कार मोस्ट एक्सपेंसिव सी, तो फिर नैक्सट जो साडा ऑब्जेक्ट ऑन द लिस्ट मोस्ट कार्स लकली आर फार लैस एक्सपेंसिव,
बट कहते कि हाउस तो साड़ी जो कार्स है लाइक लेस एक्सपेंसिव मीन्स कि हाउस महंगे है बट कार्स है जो वो हाउस तो था सस्तियाँ ही हैं सो फोर्थ इतना तो लिंकड हो ही रहे तो फोर्थ हो गए साढ़े आखिरी बजे फिर दोबारा रिपीट करते हैं जितना समझ नहीं आई हाउस से कार्स की गल हो रही थी फर्स्ट साढ़े पॉइंट से जो कि हाउस इज बाई फार द मोस्ट एक्सपेंसिव आइटम एनी वन विल एवर बाई जो भी कोई खरीद है तो मोस्ट एक्सपेंसिव थिंग जो आइटम होंगी है वो हाउस होंगे हर एक लिए ओके असी ये साढ़ा फर्स्ट पॉइंट दैन मोस्ट एक्सपेंसिव की गल हो रही थी ब्रिंगली कहते तो मेड इन हाउस प्राइस इन ऑस्ट्रेलिया इज नाउ वैल अबव 7 लैख 7 लैख तो उपर है मेड इन हाउस का प्राइस एक्सपेंसिव की गल हो रही थी तो प्राइस की गल होगी उत्थे क्योंकि मोस्ट एक्सपेंसिव तो फिर इंटरलिंक्ड हो रहे कि इन्ना 7 लैख इन्ना महंगा है वो थर्ड पॉइंट से साडा साढ़े को 3 सेंटेंस से तीन सेंटेंस चो साढ़े को जो असं बी सी सा मोस्ट कार लकली आर फार लैक्स एक्सपेंसिव दैन हाउसिज से तो ये भी हो सकता सी बट उस तो बाद स्टिल दीज टू थिंग्स ये नहीं हो सकते बिकॉज टू थिंग्स यू नैक्सट टू $1 million ये चीज़ नहीं हो स्टिल टू थिंग्स स्टिल ये भी एक कनैक्टर या कह दें लिंकिंग वर्ड्स जिन्होंने मैं कह रही थी पिछली वर्ड वीडियो जो फर्स्ट वीडियो से एक्सप्लेन किया उस आ जाता है एक पॉइंट साढ़े को आखिरी बच्चे आ कार इज प्रोबेबली द नैक्सट मोस्ट एक्सपेंसिव ऑब्जेक्ट ऑन द लिस्ट सो दो चीज़ा सी पहली हाउस सी दूसरी सी साड़ी कार हाउस वाला सी साडा कंप्लीट हो चुका सी फिर हूँ कार्स की गल हो रही थी तो पहला फिर थर्ड सेंटेंस यही होना चाहिए क्योंकि ये नैक्सट आ नैक्सट टू थिंग्स की गल हो सैकेंड चीज साड़ी कार सो सैकेंड कार फिर दैन उस कार्स नाल रिलेटेड इंटरलिंक्ड पॉइंट साड़ा सी बी उस तो बाद एक पॉइंट बन सकता है दैट इज 5 सो ये साड़ी जो इंपोर्टेंट मोस्ट इंपोर्टेंट इनफोरमेशन टू लीस्ट इंपोर्टेंट इनफोरमेशन के वाल असं जावे ये साड़ा स्ट्रक्चर से सैकेंड पार्ट थर्ड साड़ा रह गया वो है हूँ साड़ा कंट्रास्ट से उस की होगा जो फस्ट हाफ उन्होंने असं कैमें सोल्व करेंगे कि एक हाफ एक टॉपिक डेडीकेटेड करेगा सैकेंड हाफ सैकेंड टॉपिक डेडीकेट करेगा वो कैमें होगा वो थोड़ा दसेंगे असं साड़ी वीडियो सो की वॉचिंग PTE ट्रेनर लाइक सबसक्राइब करो कमेंट करो जो थोड़ा कोई डाउट है की वॉचिंग PTE ट्रेनर सत श्री अकाल।